हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपका हमारे चैनल एपी आयुर्वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। अगर आप नज़ला, एलर्जी, सर्दी, जुकाम, छींक, इन सब बीमारियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। क्या है कि आजकल हर किसी व्यक्ति को नज़ला, एलर्जी, सर्दी, जुकाम की समस्या रहती है। एक तो नॉर्मल जुकाम होता है जो कि 1 वीक में 3 से 4 दिन में लगभग ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन रहता है तो फिर नज़ला, एलर्जी, साइनस की समस्या बन जाती है जिसके कारण हमेशा सिर दर्द रहता है, नाक व आँखों से पानी बहता रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, समय से पहले सफ़ेद बाल हो जाते हैं, समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं, टिब्बी दमा जैसी बड़ी बड़ी बीमारी बन जाती हैं। कई तरह की अंग्रेजी दवाइयों के प्रयोग से शरीर में कमजोरी आ जाती है और ठीक भी नहीं होती है। अंग्रेजी दवाइयों से इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, केवल देसी दवाई ही पूरी तरह से ठीक कर सकती है। अगर आप नज़ले, सर्दी, जुकाम, बार बार छींक आना, इन सब से बहुत परेशान है और कहीं से भी आपको समाधान नहीं मिला है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं अपनी देसी दवाई के बारे में। ये जो चूर्ण है ये आपको सालों पुराने नज़ले, एलर्जी, छींक को बिल्कुल ठीक कर देगा। कितनी भी आपको छींक क्यों ना आती हो, चाहे नज़ला, चाहे नाक बहती हो, सर्दी जुकाम हो, इन सब से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। इस पाउडर ने काफ़ी सालों से हज़ारों लोगों को बिल्कुल ठीक किया है। ये हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग वैद्य बनाते हैं जिससे पिछले सालों में काफ़ी लोगों को ठीक किया है और बिल्कुल 100% इसका रिजल्ट है। इन सब बीमारियों के लिए इससे अच्छी दवा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये हमारी गारंटी है। इसका प्रयोग खाना खाने के बाद सुबह शाम 1/4 स्पून गुनगुने पानी के साथ लेना है और साथ में कुछ परहेज करने हैं, जैसे कि दही, चावल, कड़ी, केला, लस्सी, खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीज़ें, इन सब से बचना है और कोशिश करनी है कि आप लगभग पानी, गर्म पानी का ही यूज़ करें पीने के लिए। और अगर आपको साथ में बहुत ज़्यादा बलगम की समस्या है तो चूर्ण के साथ साथ में इस लिक्विड दवा का एक एक ढक्कन सुबह शाम लेना है। बलगम बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। और किसी की अगर नाक बंद रहती है, हमेशा बंद रहती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको पाउडर के साथ साथ इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम नाक में डालनी है। आपकी जो बंद नाक है वो बिल्कुल एकदम से खुल जाएगी और बिल्कुल अच्छे से आप सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो दोस्तों, ये हमारी तीनों ही देसी दवाई आपकी समस्या को बिल्कुल 101% छुटकारा दिला देंगे। इनके रिजल्ट्स हमारे पेशेंट देख चुके हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को ज़रूर सेव करके रख लेना, फ्यूचर में काम आएगा जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। पिछली वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। दवाई की पूरी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करें। ऑर्डर की पूरी जानकारी नीचे दी गई है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।